जैसे ही अमन लौटा है, कश्मीरी पंडित मंदिरों में फिर से पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं। कश्मीरी पंडितों ने उत्तरी कश्मीर के बारामूला यनकरा में होली के साथ प्रकाश दिवस मनाया। बारामूला कश्मीर का ये वो गांव है जहां पहले दहशतगर्दी का गढ़ हुआ करता था, मगर आज इस गांव में कश्मीरी पंडित बिना किसी खौफ और डर के मंदिरों में दर्शन करते हैं। तो कहती हूँ कि सबको आना चाहिए जो भी यहाँ के हैं, क्योंकि लोकल्स के सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल नहीं है, तो उन्हीं की वजह से ये पॉसिबल भी हुआ है। तो अच्छा लगा हम सबको यहाँ आना, तो और ये बड़ा दिन है हमारे लिए, तो बहुत अच्छा दिन है, तो इसलिए हम लोग यहाँ हर साल आते हैं। पहले तो यहाँ पे बहुत रश हुआ करता था, गांव वाले कहते थे कि हाँ, बीच में कुछ टाइम से यहाँ बहुत कम लोग आते थे क्योंकि डर था, डर का माहौल था, इसलिए लोग बहुत कम आते थे। लेकिन अब कुछ सालों से वापस यहाँ के जो बिरादरी है उन्होंने इसको वापस से रिवाइव किया है, यहाँ के टेम्पल्स जो है उनको वापस से रेनोवेट किया, इसको उस दर्जे का लाया कि हर लोग यहाँ आके जो है वो आए, इस दिन का महत्व समझें। क्योंकि जो हमारी जनरेशन के लोग हैं हमें नहीं पता था, क्योंकि हम लोग चले गए 90s के बाद हमारा बर्थ हुआ, हमें यहाँ का कुछ भी पता नहीं। पंडितों का मानना है कि माँ गंगा सैकड़ों साल पहले यहाँ पहुँची थी और इसी दिन बाबा कराल बाबा जी का भी जन्मदिन यहाँ पर मनाया जाता है। इनका कहना है कि कश्मीर में पिछले कुछ सालों से माहौल बदल गया है और आज वो मंदिरों में बगैर किसी खौफ के पूजा करते हैं। जो मंदिर है यहाँ का, इसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है, 3-4 हज़ार साल पुराना मंदिर है यहाँ पे ये। और यहाँ पे सबसे पहले कोई राजा वेंकटेश नाम के कोई राजा थे जिनने संन्यास लेके इसी जगह पे उन्हें तपस्या की है, तो उसकी वजह से फिर यहाँ पे गंगा प्रकट हुई जो भगवान शंकर की जटाओं से निकलती है, तो वो प्रकट हुई और वो यहीं पे उनका अंतिम संस्कार वगैरह हो गया। उसके बाद फिर यहाँ बस्ती लग गई और आस्ता आस्ता फिर ये गांव बस गया। हमें तो इसके बारे में पता नहीं कि हमारे पुराने जो बुजुर्ग थे वो बोलते हैं हमने भी ऐसे ही देखा है इसको। तो जो गंगा प्रकट हुई उस टाइम वो ये वाला है, अगर आप कैमरा घुमाएंगे ये वाला पोर्शन है, यहाँ गंगा प्रकट हुई। और उसके बाद इसकी अहमियत को देखते हुए स्वामी करालबाब जी महाराज, अच्छा, ये कुछ 40 साल पहले यहाँ पे आ गए, इन्होंने यहाँ पे तपस्या की, इन्होंने यहाँ पे कुटिया बनाई। उनके अनुयायी इस वक्त जो है पूरे राउंड द ग्लोब हैं, हर जगह हैं, और उनके होते हुए वो यहाँ पे लगभग 30 साल रहे, 90 तक। तो मुझे लगता है कि आज के हालात तो पिछले 30 साल से इतने अच्छे कभी नहीं थे, इतने अच्छे कभी नहीं, कभी नहीं थे। अगर ऐसा रहा तो फिर जल्दी शायद इंशाल्लाह हम भी आ जाएंगे आपके साथ। 2019 से वो लगातार इस मंदिर में पूजा और हवन करते हैं क्योंकि कश्मीर में अमन की फिजा लौट आई है। 1990 में कश्मीरी पंडितों के पलायन के बाद कश्मीर में पंडितों की इबादत गाहें वीरान हो गई थी, लेकिन 2019 के बाद केंद्र सरकार की तरफ से बनाई गई पॉलिसियों के तहत इन मंदिरों को फिर से आबाद किया जा रहा है। के बाद जो है मंदिरों में फिर से रौनक जो है लौट आई है। अगर हम खास तौर पर कश्मीर की बात करें तो 90 की दहाई में जिस तरह के हालात कश्मीर में थे, यानी किस तरह से कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम किया गया और बाद में किस तरह से कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोड़ना पड़ा, उस सब के बीच जो यहाँ पर मंदिर जो है वीरान पड़े थे और इनकी देखरेख के लिए भी जो है उस तरह से देखरेख नहीं होती थी। लेकिन आज जो है जब से हालात ठीक हुए हैं 2019 के बाद से हालातों में सुधार देखने को मिला और उसके बाद ही आज मंदिरों में किस तरह की रौनक आप देख रहे हैं। यहाँ पर लंगर भी रखा गया है, यानी मुल्क के कई हिस्सों से यहाँ पर लोग आते हैं और इस मंदिर में हाजिरी देने के लिए, और आप देख भी सकते होंगे तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं हम कि यहाँ पर लंगर का अहतमाम रखा गया है। काफी पुराना ये प्राचीन मंदिर यनकरा के इस इलाके में मौजूद है जहां पर आज से पहले कई सालों से पूजा हुआ करती थी, हवन हुआ करता था, लेकिन अब जो है ये दोबारा से शुरू हो चुका है क्योंकि हालातों में बिल्कुल सुधार देखने को मिल रहा है। यहाँ पर लोगों के कहने के मुताबिक जो है लोगों की काफ़ी हाजिरी देखने को मिल रही है, यानी 21 के बाद से है फिर से यहाँ पर शुरू हो चुका है लोगों का आना और दूर दूर इलाकों से लोग भी यहाँ पर आते हैं।